लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। मुझे तो गाना चाहिए भैया। और मुन्ना और गाना वाना बाद में, और चल भैया, लगता है हमें मार के रहेंगे भैया। भैया अरे दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा और नन्हा सा टास्क देने वाला हूँ। हे दोस्तों, तो टास्क ये है कि भेड़ को पूरा देखे। क्यों नहीं देखेंगे? Nope. और जरूर देखेंगे। और चल, ये रही हम लोग बिल ऑफ सार खेल रहे हैं, और ये रही डे वन। अरे ठीक है बॉब अंकल, आप तो बिल्कुल मेरी तरह हूँ। मुन्ना और लेकिन तेरे तरह क्या? अरे कुछ नहीं भैया, ये देखो मुझे बकर मिलम, पर मैं लूंगा नहीं भैया। Nope. अब ना क्यों? अरे चलो पहले इधर ढूंढते हैं भैया। और मुन्ना और ठीक है? अरे क्या ठीक है भैया, पहले ढूंढ के तो दिखाओ। ओ चल ढूंढ, पहले क्या ढूंढना मुझे बता। अरे एक मिनट, ये मेरे लिए नया गेम है भैया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ भैया। और मुन्ना और चल सब ठीक हो चुके, और चल इधर चल भैया। तो फिर चलिए ना हम। Nope. और मुन्ना चल बीड़ू लोग यार, और चलो यार यहाँ पे झूलते। ओ उसको झूलने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए रखा गया है। ओ ये कौन सी चीज है? हेलीकॉप्टर, हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर नहीं भागेंगे। Nope. अरे तो कौन सी, मतलब किस तरफ से भागेंगे? बाब अंकल आप ही बताओ, लगता है आप थोड़ा सा माहिर हो बाब अंकल। ओ मैं माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन तीनों तरफ से भागा जाता है। ये देख मैंने सोबल उठाया और उसको खोद डाला। अरे लेकिन इसका क्या जरूरत, मुझे इसे नहीं चाहिए, इसका नाम तो स्टेयर पीस है भैया। और मुन्ना लेकिन तुझे कैसे पता चला? अरे भैया मैंने सुना है। ओ ठीक है, सुना है तो सुना है, चल। अरे ये क्या भैया, तो ये रही वो एविल ऑफिसर भैया। ओ ठीक है, ये रही एविल ऑफिसर। अरे एविल एविल, ओ ठीक है बोला तो ये मुझसे भी एविल है। ओ तू कौन सी एविल है, तू तो पिद्दी है, पिद्दी कर का तेरे धाकी टिकी कर दूंगा, हचका हचका। भैया बोले तो मैंने ये भी सुना है भैया। और मुन्ना और क्या सुना है? और भैया तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है भैया, एक हेलीकॉप्टर का चाबी, ये देखो मिल गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए हेलीकॉप्टर, मैं तो ढोल से भागूंगा भैया। ओ ठीक है, तो चलो हम ढोल से ही भागेंगे। अरे वो तो मैंने पहले ही बताया। और मुन्ना लेकिन इस बाल्टी से क्या करा भैया, इस बकेट से ही तो हमें। ओ मेरा को बचाओ। वाह एविल को मारने चले थे, खुद ही मर के आए, अच्छा। इसमें अच्छा क्या हम? Nope. भैया देखो ना ये बहुत पगला गया हम। ओ ठीक है, उसको मैं धाकी टिकी करूंगा, चल पहले इसे ढूंढ। अरे रुको हमें इस पे एक कुल्हार चाहिए भैया, और जो तो मिल गया था ना हम। ओ ठीक का, लेकिन पीछे कोई है। अरे भूत, ये तो भूत रहा। ओ ठीक का, ये तो भूत है। लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। मुझे तो गाना चाहिए भैया। और मुन्ना और गाना वाना बाद में, और चल भैया, लगता है हमें मार के रहेंगे भैया। और मुन्ना और वो हम होने नहीं देंगे। अरे ठीक है मैं वो होने नहीं दूंगा भैया। बीड़ू लोग जल्दी से भागो पीछे, और तुम लोग क्या गाना गा रहे हो? ओ, हम लोग गाना नहीं, हम तो स्क्रू ड्राइवर को देख रहा था। अरे लेकिन एक मिनट, उसको देख के क्या होगा बाब अंकल, अब ना उसको तो काम पे लगाना पड़ता है भैया, इसको समझाओ कोई। ओ मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मैं ही तुम लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझाओ, वरना आया तो धाकी टिकी कर देगा मम्मे। अच्छा है, आसमान में है बिजलिया और तुम्हारे पीछे है एविल ऑफिसर, जल्दी से भागो वरना वो कट देगा तुम लोगों की सर, अच्छा नहीं है। लेकिन पहले तूने कहा कि अच्छा हम। और मुन्ना और चलना और भैया क्या हुआ, आप तो काम तो नहीं कर रहे हम। Nope. सिर्फ बातों से मुझसे। और मुन्ना और चलना और गुस्सा क्यों कर रहा है? भैया मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इससे बचना चाहता हूँ, ये हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है भैया, पता नहीं इसको कैसे मालूम चलता है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लगता है ये कोई CID वाला है भैया। और मुन्ना वही तो, और एक इंस्पेक्टर है भैया। ओ अच्छा, इसीलिए ये हमारा पीछा कर रहा है, और मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, कब क्या खा रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ, सब इसको मालूम चल रहा है भैया। ओ लगता है ये सच में एक इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर तो हम, लेकिन लगता है मुझे ये सच में एक डिटेक्टिव है बाबा अंकल, अब हमें जल्दी से भागना होगा, तो हम कितने महान है भैया। और
अब ना कैसे है भैया? देखे ना, हम एक डिटेक्टिव के घर से भागेंगे, अब एक भूत डिटेक्टिव भैया। और मुन्ना हो, बात सही कहा, और हम तो सबसे बड़ा मेहमान है भैया। तो फिर चलिए ना, इसको काटिए और उठाइए चाबी और निकले बाहर। और मुन्ना ठीक कहा, ओए भैया चलो, अब मैं इसको भी काटूंगा क्योंकि इसके अंदर मुझे बनने वाला है गन भैया। और मुन्ना ओए चल, ओए अंदर से चल भैया। तो ये रही वो गन, है पुरानी गन, जल्दी से गोली इसके अंदर आ जा और मैं उसे मारूंगा भैया। और मुन्ना ओए चल भैया। क्या चल चल, ये देखो ये तो उधर जा रहा है, अब मैं इसको कैसे मारूं? और मुन्ना और लौट के आ रहा है, मार दे भैया। माने मार डाला भैया, बिल्डुक बोला था सुपर हिट था। ओ लगता तो है कि हेडशॉट था। अरे नहीं नहीं, वो तो हेडशॉट नहीं था, हेडशॉट तो ये होना वाला है। ओ ये भी हेडशॉट नहीं था, ये तो टेल शॉट था। अरे ठीक है, ये तो टेल शॉट हम, लेकिन मुझे कोर्ट तो मिल गई बाब अंकल, अब मैं ऊपर जाऊंगा भैया। और मुन्ना ठीक कहा। अरे क्या ठीक कहा, चलो हम तो ठीक करते हैं, है ना बाबू अंकल? ओ ठीक कहा, जल्दी से कॉर्ड को डाल के इसको प्रेस कर दे। अरे लेकिन ये प्रेस होने नहीं रहा, बिल्डर बोला था प्रेस नहीं होने रहा। ओ ये प्रेस नहीं होगा जब तक तू ठीक से प्रेस नहीं करेगा। ये ले पहले इधर आ और इस गन को ले, क्योंकि वो एविल नान। अरे नहीं नहीं, एविल नान नहीं, उसको तो एविल ऑफिसर कहते हैं। ओ ठीक कहा, तो ये एविल ऑफिसर फिर से आएगा, इसीलिए गन को रेडी रख और मैं उसे मारूंगा। अरे क्यों नहीं मारेंगे, उसको तो मैं अभी मारूंगा। ये देखो मैंने मार भैया, ये क्या, मेरे पास तो कोई एमो ही नहीं था भैया अभी ना। ओ मैं तो भूल गया था, और जैक तुझे याद नहीं था क्या? नोप। और दोस्तों, और मुझे भी याद नहीं था, और मैं अभी तो सो रहा था भैया। आप सो रहे थे क्या? और मुन्ना और मैंने अभी अभी सपना में कुछ देखा भैया। तो आपने क्या देखा? और मुन्ना और नहीं बताऊंगा मैं भैया, बताए ना। और मुन्ना और मुझे सर मार रहे भैया, तो फिर बताए ना। ओ लगता अपने गर्लफ्रेंड की सपना देखा। और ठीक कहा। अरे ठीक है, कल से आप लोग बहुत गर्लफ्रेंड 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 कह रहे हो, ये गर्लफ्रेंड कौन है? ओ गर्लफ्रेंड एक जंतु है जो एक लड़की होती है। अरे ठीक है चलो, मुझे मिल गया वो ये गन, अब मैं लोड करूंगा भैया। और मुन्ना चल भैया, लेकिन एक मिनट, गर्लफ्रेंड एक जंतु नहीं होती। और मुन्ना लेकिन किसने कहा जंतु होता है भैया? मुझे सुनाई दिया कि बॉब ने ऐसा कहा। ओ लगता मैंने गलती से गलत कर दिया, मतलब गलती से गलत बोल दिया। ओ ठीक है चलो, अब इसको खोलो, जल्दी से खोल के यहाँ से भागो। अरे लेकिन खोलने से ही भागा क्यों नहीं जा सकता, मतलब भागा नहीं जा सकता? ये देखो मुझे तो कुछ मिल नहीं रही भैया, अब मैं कहाँ जाऊँ भैया? और मुन्ना और टेंशन मत ले। ओए भैया, तो टेंशन तो दूंगा भैया, लेकिन पहले कुछ ढूंढो। ओ मुझे बुकशेल्फ का की मिल गया हो, अब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। अरे लेकिन इसको पहले मारूं भैया, अब एमो है ना? और मुन्ना लगता तो है भैया, सिर्फ लगता नहीं हम, सच में एमो है हम, इसलिए मर गया भैया। और मुन्ना और चल, इसको प्रेस कर दे भैया। ये तो ये प्रेस नहीं हो रहा भैया। और मुन्ना और ठीक से प्रेस कर भैया, लगता है प्रेस हो गया। ओ अब एक कोड चाहिए और ये लॉकर की इसको भी चाहिए, अब इसको ऊपर लग गया यहाँ पे, इसको खोल और मुझे गेट की मिल गया हो। भैया तो फिर जल्दी करो ना भैया। और मुन्ना और चल, और ये ले, और बुक सब की किलो ले भैया, सिर्फ लेना नहीं हम, इसे खोलना भी है भैया। और देखो मुझे सीक्रेट बुक मिल गया, अब मैं नीचे जाऊंगा और उस पे ये पे मतलब यहाँ पे लगाऊंगा। ओ लेकिन लग नहीं रहे। अरे चलो मैं तो फिर से ट्राई करूंगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम भैया। और मुन्ना ठीक है, और चल स्क्रू ड्राइवर को ले रहे हैं भैया। तो चलो ना, लगता है वो एबिल ऑफिसर फिर से उठ गया भैया, अब मैं क्या करूं? और मुन्ना पहले खोल दे भैया। मैं खोल रहा हूं धीरे से और चुपके से खोलूंगा भैया, ताकि उसको पता ना चले। ओ ठीक कहा, इसको भी खोल और चलिए से भाग भैया। ये क्या हो गया, मैंने कहा था ना भैया। और मुन्ना कोई बात नहीं, और मर गया तो क्या हुआ, और ये रही डे फोर भैया, लगता है यही लास्ट डे है भैया। nope. अब हम क्या करेंगे? ओ कुछ नहीं, सिर्फ भागेंगे, इसके घर से भाग कर ही रहेंगे, तेरा होकर रहेंगे, मतलब मैं भाग कर रहेंगे। अरे ठीक है हम, लेकिन ये तो फिर से ऊपर आ रहा है भैया, अब मैं इधर से जाऊंगा। ये रही ऑगी की दिमाग, देखो भैया इसको कहते हैं द ग्रेट दिमाग। ओ ठीक है, इस बटन को प्रेस करो और जल्दी से बुक को यहाँ पे लगाओ और उसको ले आओ। अरे किसको हम? और मुन्ना और इस गेट की को भैया, पहले से मतलब इसको यहाँ पे फेंक के मैंने शोर किया भैया, ताकि वो इधर आ जाए और हम ऊपर जाएंगे भैया। और मुन्ना और प्लान तो सही था, और चल भैया। तो अब वो जो गेट का की है भैया, वो कहाँ मिलेगा? ओ ये देखो गेट का की, अब चलो भाग।
बोला तो मामू, तुम लोग तो ग्रेटेस्ट होने का मजा भी ट्रिक सिखाने का। बिड़ू अब ठीक है सिखा दूंगा। तो दोस्तों भैया ये पागल के काम, तो भैया अब हम भाग रहे हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भैया बाय बाय।